इसराइल ऐतिहासिक रूप से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें चारों तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। एक तरफ गाजा का हमास तो दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल को मिटाने के लिए आमादा है। वहीं तीसरी और चौथी तरफ इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह हैं जो बार बार इसराइल को अपने हमलों से दहला रहे हैं। और अब इसी कड़ी में इराक के प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के हाइफा पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने हाइफा में आईडीएफ के कई अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। प्रतिरोधी समूह के मुताबिक उसने कब्जे वाले फिलिस्तीन में दक्षिण से लेकर उत्तर तक 6 सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों में खासतौर से हाइफा बंदरगाह को निशाना बनाया गया। प्रतिरोधी समूह ने इन हमलों का एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें एक ड्रोन हाइफा में तेल रिफाइनरी पर दागा गया जबकि दूसरा ड्रोन तामर गैस फील्ड पर फायर किया गया। वहीं तीसरा ड्रोन हमला किस जगह किया गया इसको लेकर प्रतिरोधी समूह ने कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि तीसरा हमला हाइफा में एक अहम ठिकाने पर किया गया। प्रतिरोधी समूह के मुताबिक तीसरा हमला नसरल्लाह के फिलिस्तीन के बुलावे वाले संदेश को लेकर किया गया और इस हमले के दौरान ड्रोन पर नसरल्लाह की तस्वीर और उनका एक संदेश भी लगाया गया था। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि वो नसरल्लाह के आह्वान पर फिलिस्तीनियों को जब तक अकेला नहीं छोड़ेंगे तब तक कि वो अलकुद्स को आज़ाद ना करा लें। वहीं दूसरे हमले के दौरान प्रतिरोधी समूह ने ड्रोन पर इराकी प्रतिरोधी गुट के नेता अबू महदी, आईआरजीसी के पूर्व चीफ कासिम सुलेमानी और उनके अन्य साथियों की तस्वीर लगाई थी और इस तस्वीर के साथ टारगेट तामस गैस फील्ड लिखा गया था। वहीं पहले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामनेई की तस्वीर को दिखाया गया है जिसमें टारगेट का नाम हाइफा ऑयल रिफाइनरी लिखा है। वहीं चौथे और पांचवें हमले को लेकर प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने ये अटैक कब्जे वाले फिलिस्तीन में अहम ठिकाने पर किए हैं। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें एक ड्रोन कब्जे वाले फिलिस्तीन में साफेड की तरफ फायर किया गया।